दीपावली और धनतेरस त्योहार को लेकर प्रेस कोर काउंसलिंग संगठन के राष्ट्रीय महासचिव संजय पटेल कार्यालय में मीडिया साथियों को उपहार देकर सम्मानित किया। खागा फतेहपुर से खबर। दीपावली और धनतेरस त्योहार को लेकर प्रेस कोर काउंसलिंग संगठन के राष्ट्रीय महासचिव संजय पटेल कार्यालय में मीडिया साथियों को उपहार देकर सम्मानित किया। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आज दीपावली के त्योहार को लेकर हर एक जनमानस के दिल में दीपावली त्योहार को लेकर खुशियां हैं। आप लोगों को बताते चले कि कार्तिक मास की अमावस्या को दीप प्रज्वलित कर रोशनी से अपने घर मकान प्रतिष्ठानों को साफ सफाई कर सजाते हैं और शाम को दीपों को जलाकर प्रकाश फैलाते हैं और एक दूसरे से मिलकर मिठाई खिलाकर खुशियां बांटी जाती हैं। आप लोगों को बता दें कि इस खुशी को सभी लोगों के बीच और अच्छा करने के लिए प्रेस कोर काउंसलिंग संगठन के राष्ट्रीय महासचिव संजय पटेल कार्यालय में मीडिया साथियों को उपहार देकर सम्मान के साथ इस प्रकार प्रकाशमय त्योहार को मनाया। और इसमें वंदे भारत टीवी न्यूज चैनल के जिला संवाददाता रमेश कुमार व वंदे भारत न्यूज चैनल के छायाकार श्रीचंद और वंदे भारत न्यूज चैनल के रिपोर्टर प्रमोद तिवारी व वीटीवी इंडिया के संपादक सीबू खान सहित लगभग 2 दर्जन पत्रकार साथी मौजूद रहे और सभी को एक ऐसा महसूस हुआ कि जो कलम के सिपाही दौड़ भाग भरी जिंदगी में दूसरों को खुशियां देने वाले पत्रकारों और छायाकारों को ये दौर कभी कभी नसीब होता है और सभी लोग इस पत्रकार सम्मान समारोह को लेकर बहुत उत्साहित रहे और संजय पटेल और सभी साथियों का आभार व्यक्त किया। इस कड़ी में सीबू खान ने ये बिल्कुल खुले मिजाज से शब्दों का प्रहार करते हुए कहा कि पत्रकारिता जगत में बहुत धुरंधर खिलाड़ी देखे लेकिन संजय पटेल जो अपने साथियों और जरूरतमंदों के प्रति निष्ठावान है वो बहुत कम देखने को मिलते हैं और सभी स्थितियों को साफ सुथरा पत्रकारिता करने के लिए उत्साहित किया। और आइए सुने क्या कहा प्रेस कोर काउंसलिंग संगठन के राष्ट्रीय महासचिव संजय पटेल और वीटीवी इंडिया के संपादक सीबू खान ने। वंदे भारत टीवी न्यूज चैनल से छायाकार श्रीचंद व प्रमोद तिवारी रिपोर्टर के साथ जिला संवाददाता रमेश कुमार की खास रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, प्रेस कोर काउंसिल संगठन की ओर से सभी देशवासियों और जनपद वासियों को प्रकाशमयी त्योहार की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। आप सभी लोगों को अवगत होगा कि जैसा कि त्योहार में विगत वर्षों से लोगों को त्योहार में जैसे कि हम लोग त्योहार मनाते हैं, प्रयास यही रहता है कि उसी तरह त्योहार उनका भी जो है जरूरतमंदों की मदद करते हैं और उनको जो है त्योहार में बुला के मदद करते हैं। ये मेरा सिलसिला बराबर चला आ रहा है। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उस लायक बना दे कि हम इससे ज्यादा और व्यवस्था करें। जैसा कि आज हमारी मीडिया टीम एकत्रित है, मुझे बड़ा हर्ष है कि ये टीम जरूरत पड़ने पे एक ही फोन पे हम लोग इकट्ठा होते हैं और उन असहाय गरीबों की मदद करते हैं, जरूरतमंदों की मदद करते हैं, जो मीडिया का एक कर्तव्य होता है। ज्यादा मैं कुछ न कह के हम अपने बड़े भाई शिवू भाई से चाहेंगे कि वो आप जो है सभी देशवासियों को, जनपद वासियों को, नगर वासियों को ये अवगत कराइए कि मीडिया का कर्तव्य क्या है, दायित्व क्या है, उनको क्या करना चाहिए, किसी के बहकावे में भावुक होके किसी तरह की अपनी कलम से अनहोनी ना होने पाए, ऐसा कुछ आप। सबसे पहले उपस्थित पत्रकार साथीगण, देश आज लाइट्स का पर्व मना रहा है। मैं शिबू खान बतौर राष्ट्रीय महासचिव साइबर जर्नलिस्ट एसोसिएशन समस्त देशवासियों, प्रदेशवासियों एवं जनपद वासियों को तहे दिल से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आशा करता हूं कि ये त्योहार आप सभी के जीवन में एक प्रकाश लेके आए, लेकिन इसके साथ ही आपको चेतावनी भी देना है, आप सभी त्योहार को सकुशल तरीके से मनाएं। आज आतिशबाजी के नाम पे, पटाखों के नाम पे किस तरीके से खबरें देखने को मिलती हैं, आप सभी से यही निवेदन है, इको फ्रेंडली आप लोग दीपावली पर्व जिस तरीके से होली का पर्व आप लोगों ने मनाया है अच्छे से, आप भी अच्छी तरीके से अपने आप को सेफ रखते हुए, अपने समाज को, अपने आसपास के क्षेत्र को सुरक्षित रखते हुए दीपावली का पर्व मनाएं। क्योंकि त्योहार कोई भी हो खुशियों के होता है, तो हमको बचना चाहिए हमारे किसी ऐसी हरकत से, हमारा या किसी और का
त्योहार खुशी से गम में न बदलने पाए, यही आप सभी से आशय है। क्योंकि हम सभी देश के लोकतंत्र के चौथे स्तंभ से जुड़े हुए साथीगण हैं, तो जिस तरीके से अन्य स्तंभ के, चाहे वो कार्मिक गण हो, चाहे जनप्रतिनिधि गण हो, या जिसको हम लोग प्रथम स्तंभ मानते हैं, न्याय से जुड़े लोगों का हित है, हम चौथे स्तंभ यानी मीडिया का भी स्तंभ, यही आपका दायित्व निभाता है कि देश में, समाज में आपसी भाईचारा बढ़े, लोगों में मनमुटाव न होने पाए। हम पत्रकार साथियों को जिस तरीके से आज ये कार्यक्रम हम लोग मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, हमारे बड़े भाई संजय पटेल जी, जो आप माननीय राष्ट्रीय महासचिव हैं प्रेस कोर काउंसिल, और आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चकवाड़ी सर, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिनके निर्देशन पे, कुशल नेतृत्व पे, उनके आह्वान पे भाई संजय पटेल जी बीते कई वर्षों से जरूरतमंदों के लिए, खास करके अपने पत्रकार साथियों के लिए त्योहार में, खास करके जरूरतमंदों के लिए कुछ न चीजें जो उनकी हैसियत बनती है पड़ती है, हमें बहुत ही इस बात से गर्व है कि हमारे साथी संजय पटेल जैसे अन्य साथी ऐसे कार्यक्रम में शिरकत करते हुए जरूरतमंदों को ऐसी बस्तियों से हम लोग चिन्हित करते हैं जहां 2, 4, 10, 20 जो वास्तव में जायज है, और हमारी क्षमता क्या है, हमारी हैसियत के हिसाब से प्रति वर्ष ये आयोजन किया जा रहा है। मैं भाई संजय पटेल को बधाई देता हूं कि आप जैसों की सोच हमेशा देश के प्रति तरक्की देने का काम करती है। मैं मीडिया से जुड़े देश के तमाम अन्य पत्रकारों से भी आह्वान करता हूं कि आप सभी अपने कलम के माध्यम से और जिस हैसियत से है, देश में खुशी का ऐसा तरीका बनाया जाए कि हमसे कोई आदमी दुखी न होने पाए। वैसे तो हम सबको सर्वप्रथम आपको बताया चले कि किसी को भी बराबर तरीके से खुश नहीं कर सकते, लेकिन हमारा उद्देश्य होना चाहिए, क्योंकि हम मानवतावादी हैं, हमारा धर्म मानव के हिसाब से होना चाहिए। ये देश पर तमाम तरीके से आते हैं, तमाम धर्म के लोग यहाँ जीवन यापन करते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं, भाई भाई, इस लाइन को चरितार्थ हमको आपको करना है। देश में बांटने वाले तमाम तरीके के लोग आते हैं, लेकिन त्योहार हमको सिखाती है कि जो भाईचारा हमें बनाए रखना है, क्योंकि जब देश में कोई बात होती है तो लोग तो चंद आते हैं जो हमको आपको उलझा करके चले जाते हैं, लेकिन समाज हमारा लिमिटेड होता है। जिस गांव में, जिस शहर में, जिस बस्ती में हम रहते हैं, वही हमारे सुख दुख के साथी होते हैं। तो प्लीज आप सभी से यही निवेदन है, इन त्योहारों पे हमको ऐसी प्रतिज्ञाएं भी लेनी चाहिए कि देश में नफरती माहौल से दूर रहना चाहिए और अराजक तत्वों से दूर रहना चाहिए, देश को खुशहाली की ओर, भाईचारा की ओर, देश में एकता की मिसाल कायम करने का काम करें, यही मेरी आप सभी से निवेदन है। पुनः आप सभी को दीपावली पर्व की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। जय हिंद, जय भारत, जय प्रेस कोर काउंसिल, जय हिंद।